गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आपके सारे त्यौहार बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने। अब हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं। सो यू आर द सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स एंड वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट वॉज अब इन्वायरमेंट। फाइन, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था कि इन्वायरमेंट कहते किसे हैं। कोई भी आसपास, जितना भी आपके पास सराउंडिंग्स हैं आपके आसपास, और जो आपकी लाइफ को और आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं, उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट अलग अलग तरीके का हमने पढ़ा था। एक तो नेचुरल पढ़ा था, एक ह्यूमन मेड पढ़ा था। ठीक है, और नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने चार बेसिक पार्ट्स देखे थे। जो भी लैंड से रिलेटेड था, दैट वॉज लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, चार थे। तो हमने अभी तक लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया था। वो सारे एलिमेंट्स नेचर के जो कि लैंड से रिलेटेड होते हैं, है ना। नेचर में जो भी कुछ लैंड से रिलेटेड था वो लिथोस्फेयर में हमने देखा था। और लिथोस्फेयर एक्चुअली क्या होता है, और हम के इतना सारा लैंड है, पूरी अर्थ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ में बहुत सारी लेयर्स हैं। जब आप ये बोल रहे हो कि हम लिथोस्फेयर की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस पार्ट की स्टडी कर रहे हो। लिथोस्फेयर अर्थ का कौन सा पार्ट है, ठीक है, हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उस दिन इतना समझाया था कि आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो लिथोस्फेयर क्या देखा था हमने कि पूरी अर्थ तीन चार पार्ट्स में बटी हुई है। ऊपर लिथोस्फेयर होता है, अंदर मेंटल होते हैं और कोर होता है। ठीक है, वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा वापस। और उसके बाद जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, हम उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर भी दो लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर की लेयर जो हमें आँखों से दिखाई दे रही है, ज़मीन, है ना, तो उसको हम जो ऊपर की सॉलिड अर्थ क्रस्ट होती है ये, ठीक, तो इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और जो थोड़ी इसमें जो ऊपर की जो लेयर है, इसमें रॉक्स होती हैं और ओशियंस वगैरह होते हैं। मतलब जो लैंड है पूरी, वो किसके दो दो पार्ट्स में बटी है। एक में तो पानी पानी है और दूसरे में लैंड है, जो सूखा हुआ लैंड है, जिस पर कि हम रह सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, व्हाटएवर। और दूसरा होता है ओशियनिक, यानी कि वाटर वाला, वाटर बॉडीज जिस पर होती हैं। लेकिन ये वाटर बॉडी और ये जो जितने भी अपने घर बार जंगल हैं, ये सब कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर लिथोस्फेयर पे। ठीक है, अच्छा, अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर की लेयर है लिथोस्फेयर, और जो सेकेंड लेयर उसकी होती है, उसमें मिनरल बेड होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक, तो हमें पता चल गया कि जब हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिस पर जो कि हम आँखों से देखते हैं, जितने हमें इतनी सारी रॉक्स दिखाई देती हैं, माउंटेंस दिखाई देते हैं, वैलीज दिखाई देती हैं, प्लेन्स दिखाई देते हैं, और जितनी भी वाटर बॉडीज दिखाई देती हैं, वो सब किस पर है, लिथोस्फेयर पे हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं, वो लिथोस्फेयर हमारे को कैसे इफेक्ट करता है, वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है, दैट इज़ इट। ठीक है, अब सेकंड होता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो भी नेचर में पानी से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो क्या किस में आती हैं, हाइड्रोस्फेयर में आती हैं। ठीक है, अब हाइड्रोस्फेयर में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, जितने भी रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, पॉन्ड्स, ये सारा का सारा किस में आएगा, हाइड्रोस्फेयर में। ठीक है, अब पूरे नेचर में इसके अलावा किस तरह से वाटर की साइकिल चलती है, हमें ये ओशियंस में, रिवर्स में, ये सब पानी मिलता कैसे है, इसके अलावा रेनफॉल होती है, ठीक है ना, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड है, क्योंकि जो पानी अगर नहीं बरसेगा तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जो रेन वाटर है, क्लाउड्स हैं, वो सारे के सारे भी हमारे एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगी कि पानी का किस तरीके से सर्कुलेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में। इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। जो वर्ड होता है वाटर, साइंस में वाटर से किसी भी तरीके की कोई रिलेटेड चीज़ होगी, तो उसमें हाइड्रो वर्ड या हाइड्रा वर्ड यूज़ ज़रूर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, साइंस में वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर आप स्टडी करोगे, तो हाइड्रा वर्ड उसमें ज़रूर यूज़ होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन एक गैस होती है, जब उससे कोई रिलेटेड चीज़ आती है, तो वो हाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, ऐसे वर्ड चलता है। लेकिन जो वाटर होता है, वो हमेशा एक साइंटिफिक वर्ड जो है,
वो हाइड्रा वर्ड से रिलेटेड होता है। आप जैसे अपन ने देखा हम वाटर की सर्कुलेशन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या टर्म आई, हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रो है वर्ड, तो आप समझ जाओ कि वाटर से रिलेटेड कुछ चीज़ है, कुछ बात है, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अभी छोटे हो और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते जाओगे तो ये कॉमन वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं साइंस में, ठीक है ना। जनरली टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं, साइंटिफिक वर्ड यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी कहीं आप हाइड्रो वर्ड सुनते हो, हाइड्रो, तो वो वाटर से रिलेटेड होगा, कुछ भी उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि ये वर्ड जैसे ही आया हाइड्रोलॉजिकल, हमें पता चल गया कि हम वाटर की किसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे थे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो तो आपको पता भी होंगे उनमें से कुछ कुछ, जैसे इवेपोरेशन कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब आपने वाटर साइकिल में शायद छोटी क्लास में पढ़ भी रखा होगा। लेकिन अभी कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि आइस और स्नो के फॉर्म में वाटर स्टोर रहता है। इतनी सारी बर्फ़, हिमालय पे इतनी बर्फ़ जमी पड़ी होती है, स्नो होती है, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्यों बनाया है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मतलब में तो नहीं होती, तो क्यों बनाया है ये सब। ये दीज आर द स्टोरेज ऑफ वाटर, ये वाटर के स्टोरेज हैं। जैसे धूप निकलती है तो वो पानी बह के कहाँ आ जाता है, नदियों में आ जाता है, ठीक है। तो ये पहले तो आप देख रहे हो कि कुछ स्टोरेज ऑफ वाटर है जो कि आइस और स्नो के फॉर्म में होता है। एक और चीज़ होती है वाटर टेबल। ये कुछ टर्म्स हैं जो पहले मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि ये मैंने क्यों बताया, ठीक है। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, ये सब आपने वर्ड सुन रखे हैं कभी, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लो। क्या होता है हमारी धरती पे, ठीक है, जो हमें ऊपर दिखाई देता है, कहीं कहीं पर पानी की स्कार्सिटी हो सकती है, वहाँ पर हम कहते हैं अनसेचुरेटेड लेवल ऑफ वाटर। लेकिन कहीं कहीं पानी, जब बारिश होती है पानी की, तो आप सब ने सुन रखा होगा कि बारिश होती है तो हमें उस बारिश के पानी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो पानी धरती के अंदर चला जाए, वो ज़मीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ऐसा होता भी है, नेचुरल भी है ये चीज़, कि हम इसके लिए आर्टिफिशियली भी बहुत सारे इंतज़ाम करते हैं, जैसे कि छतों को हम इस तरह से बनाते हैं आजकल कि उसका पानी इधर उधर ना फैले, है ना, बल्कि उस नाली में जाकर वापस धरती के अंदर ही चला जाए। इससे दो फायदे हैं, एक तो आपके घर के आसपास कीचड़ नहीं होती, और दूसरी बात जो पानी यहाँ वहाँ बह के वेस्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे ही एवोपरेट हो जाएगा गड्ढों में भर भर के, उससे बेहतर है कि वो धरती में अंदर एब्जॉर्ब होकर चला जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारी तरीके के प्रोसेसेस कर रहे हैं लोग बाग आजकल, अच्छी बात है, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर में कमी ना आए। अब ये दोनों चीज़ें समझ लो, एक होता है वाटर टेबल, एक होता है ग्राउंड वाटर। जितना भी पानी धरती के अंदर है ना, जैसे कि जो पानी रेन वाटर वगैरह होता है, तो वो हम एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करते हैं, नेचुरली भी वो एब्जॉर्ब होता ही है धरती के अंदर, तो वो ग्राउंड वाटर बनाता है। हमारा नाम से ही पता चल रहा है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, जो भी आप बोलना चाहो। तो वो पानी क्यों ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि जब आप देखते हो लोग बोरिंग कराते हैं, ट्यूब वेल्स लगवाते हैं, या फिर कुएं वुएँ खुदवाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो पानी हमें धरती के अंदर मिलता है। यानी कि हमारा जो पानी का सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई इतना ज़्यादा ओवर मत रिसोर्सेज को यूज़ करो, हर घर में बोरिंग लग रही है और बोरिंग से कुछ तो भी पानी खींच रहे हैं, भाई अंदर जो पानी है वो भी तो एक लेवल में ही है, एक लिमिट में ही है। अगर आप इतना पानी उसको ओवर यूज़ करोगे, वेस्ट करोगे, लोग क्या सोचते, हमने अपने घर में बोरिंग बनवा ली अब तो पानी की कमी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। आपने बनवा ली, आपके पड़ोसी ने भी बनवा ली, और दोनों के दोनों बढ़िया इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो भाई अंदर तो पानी एक ही था ना, आपने अपनी मोटर लगवा के उसे अपनी तरफ खिंचवा लिया, दूसरे ने उसकी मोटर लगवा के अपनी तरफ खिंचवाया, लेकिन जब पानी अंदर होगा ही नहीं तो क्या करेगी आपकी मोटर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली होती है, और इस तरीके की जो फिजूल की बर्बादी है वो बहुत देखने को मिलती है। तो आपको समझना चाहिए कि उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो वाटर धरती के अंदर प्रेजेंट है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, क्योंकि बारिश नहीं होती आजकल, बारिश इतनी कम होती है, उसके पानी को भी हम जैसे तैसे करके अंदर पहुंचा देते हैं, कुछ नेचुरली चला जाता है, तो उस पानी को आपको हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो समझ आ गया ग्राउंड वाटर क्या होता है। अब आता है वाटर टेबल, एक और टर्म है जो वो वाटर टेबल है। वाटर टेबल का मतलब होता है हमारी धरती के अंदर, जैसे कि आप देखते हो रिवर्स होती हैं, है ना, या ओशियंस होते हैं, जो अंदर नहीं होते हैं ग्राउंड वाटर और वाटर लेवल में, मतलब अंतर समझ लेना,
ग्राउंड वाटर तो हो गया अंदर का पानी जो धरती के ऊपर आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन वाटर टेबल जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक लेवल होता है धरती पर जिसके नीचे सैचुरेटेड वाटर बॉडीज़ होती हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पानी की कमी नहीं होती, जैसे रिवर्स वगैरह आपने देखी हैं, ठीक है, कुछ रिवर्स तो सूख जाती हैं क्योंकि वो वाटर टेबल के ऊपर आ जाती हैं, वहाँ पर सैचुरेशन नहीं होता। सैचुरेशन का मतलब होता है उनमें इनफ है, उसमें कमी नहीं है। और एक होता है अनसैचुरेशन, उसमें होता है कमी होती है। तो वाटर टेबल का मतलब यही होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो वाटर टेबल है यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है, बस फिलहाल इतना समझ लो। बहुत डिटेल में इसको आपको नेक्स्ट या अगली क्लासेस में कभी समझना पड़ेगा आगे, अदरवाइज फिर कन्फ्यूज जाओगे। एक और चीज़ होती है क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, ये आपने सबने पढ़ रखा होगा कि भाई जो पानी एवोपरेट होता है, जो नदियों वदियों में पानी भरा रहता है या जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ में, तो उनमें से पानी सनलाइट के कारण एवोपरेट होता है और वो एवोपरेट होके कहाँ जाता है, क्लाउड्स में जाता है और फिर क्लाउड्स में जाकर कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद वो फिर जब बहुत हैवी हो जाता है तो वही रेन के रूप में वापस हमारी धरती पर आ जाता है। ये साइकिल तो आप सब लोगों ने पढ़ी है, तो इसको समझाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि क्लाउड्स एंड वाटर वेपर कैसे बनते हैं और कैसे बरसते हैं। नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। आपने देखा होगा जितने भी स्नोफॉल होती है, कभी बर्फ़ के गिर रहे होते हैं, कभी ओले पड़ते हैं, है ना, जिनको कि आइस पैलेट्स भी कहा जाता है, तो वो सब प्रेसिपिटेशन के अंदर आते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्या क्या आ रहा है आसमान से, एक्चुअली जो भी यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था, ठीक है ना, वो ही बरसता है वापस। तो ये पानी भी हो सकता है और स्नो भी हो सकती है, आइस फॉर्म हो जाती है जिससे, इसके अलावा आइस पैलेट्स भी होते हैं जिनको हम ओले कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, जितना भी वाटर जो जितना भी कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पर वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आ रहा है अर्थ पर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यू कैन से दैट एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमोस्फेयरिक वाटर वेपर, जो भी ये वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में वो कंडेंस हो जाती है। जब कंडेंस हो जाती है तो वही बारिश के रूप में बरसता है पानी। अब पानी के अलावा ओले भी बरसते हैं, कहीं कहीं स्नोफॉल होता है, तो वो भी क्या है, वो भी वाटर वेपर है कंडेंस्ड फॉर्म में, वो भी वाटर वेपर का कंडेंसेशन है। तो चाहे वो रेन हो, चाहे वो ओले यानी कि आइस पैलेट्स हो, चाहे वो स्नो हो, हम सबको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन ही कहते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे या फिर आपने शायद इसी साल पढ़ो बायोलॉजी में, जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक कुछ होता है स्टोमेटा, ठीक है, वो आप साइंस में पढ़ोगे। तो अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, और जब वो जैसे अपन रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स होते हैं, अपन ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाटर को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी इन्वायरमेंट में आ रहा है। हम क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन इन्वायरमेंट, इस सब के इसके अंदर ये सारी के सारी टर्म्स आती हैं। रिवर डिस्चार्ज मतलब रिवर का पानी जो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होता है, ठीक है ना, वो भी रिवर डिस्चार्ज कहलाता है, या इवेपोरेशन तो आपको पता ही है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपायरेशन, वाटर टेबल एंड ग्राउंड वाटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको तो रिवर डिस्चार्ज, बाकी एवोपरेशन आपको पता है, क्लाउड्स एंड वेपर्स वाटर वेपर पता है, और स्टोरेज ऑफ वाटर एज आइस एंड स्नो, ये सब अपन जानते ही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी कुछ कुछ है जैसे कि कंडेंसेशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वाली पिक को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो फिगर दिया गया है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना और आप इसको समझ पाओगे कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से वाटर सर्कुलेशन होता है, वाटर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिंपल वाटर बॉडीज़ देखते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, उनका एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर बन के इन्वायरमेंट में फैल जाता है। दूसरी तरफ प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा वाटर छोड़ रहे हैं, वो वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। रिवर डिस्चार्ज, रिवर जो पानी होता है, नदियों का पानी, वो उसकी भी जो ऊपर की लेयर होती है वो भी इवेपोरेशन होता है, तो इसमें से भी वाटर वेपर्स कहाँ जा रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है, ठीक है।
जितनी भी वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जाती है वो क्लाउड्स में क्लाउड फॉर्मेशन करती है ऊपर जाके, और जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो वही वाटर वेपर कंडेंस होके वापस धरती पे आती है बारिश के रूप में। वो रेन भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है, ओले भी हो सकते हैं, आइस पैलेट्स भी हो सकते हैं, और इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब जितनी भी वाटर वेपर गई थी इन्वायरमेंट में वो वापस पानी बन के हमारी धरती पर आ गई। अब धरती पे वो या तो स्नो और आइस के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है, और जब धूप निकलती है, बारिश ख़त्म हो जाती है, ठंड ख़त्म हो जाती है, तो यही आइस और स्नो पिघल पिघल के नदियों में पानी आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो आइस है वो स्टोरेज हो गया, ठीक है, फ्रिज बना रखा है भगवान ने अपना। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, ये जो बारिश हुई थी इसको नेचुरल रूप से भी ये धरती इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ह्यूमन बीइंग भी कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस बनाए जाएं ताकि हमारा जो रेन वाटर है वो बेकार ना हो, ठीक है, और हम उसको एब्जॉर्ब करा सकें धरती के अंदर। तो इस तरह से अंदर जो पानी पाया जाता है अर्थ के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड के अंदर है वो ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर लिमिटेड अमाउंट में है, उसे हमेशा सावधानी से यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है एक वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, जो भी अंडरग्राउंड वाटर है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि सैचुरेटेड है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि वाटर टेबल के अंदर जो भी वाटर बॉडीज आती हैं उनमें पानी एकदम सैचुरेटेड होता है, उनके उस इस तक पानी की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको थोड़ी सी समझानी थी। तो ये सारा का सारा किस में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर जो था वो हमारा हाइड्रोजन से रिलेटेड, सॉरी वाटर से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो आती हैं हाइड्रोस्फेयर के अंदर। तो नेचुरल इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे थे, पहला हमने क्या पढ़ लिया था, लिथोस्फेयर, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एटमॉस्फेयर, ये भी सिंपल सही है। एटमॉस्फेयर में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एयर, ठीक है ना। अर्थ के चारों तरफ जो भी एयर का ब्लैंकेट है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, अपन देखते हैं एनवायरनमेंट क्या, वो सॉरी एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबको पता है कि एयर का जितना भी ब्लैंकेट है, हमारी जो धरती है वो उसके ऊपर पूरा आकाश बना हुआ है, और वहाँ पर बहुत सारी गैसेज हैं, एयर है, ठीक है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें सितारे चांद सब दिखाई देते हैं, जब हम एरोप्लेन देखते हैं वो भी उड़ता दिखाई देता है, सैटेलाइट्स हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। इसके अलावा जो गैस बलून्स वगैरह होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, जिसमें वो लोग बाग बैठ के और घूमते रहते हैं इधर उधर, वो सब भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी आपने ये देखा है कि जब आप रात को कभी देखो तो सितारा टूट के गिरता है ना, वो धरती तक नहीं आता, उनको मीटियोर्स कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं विश मांगने लग जाते हैं, मुझे नहीं पता वो विश का क्या उससे रिलेशन है कि नहीं है, बट आपने देखा होगा बहुत बार कि अपन देखते हैं सितारा टूट के गिरा, वो एक्चुअली मीटियोर्स होते हैं। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो वो मीटियोर्स दिखते हैं वो अलग डिस्टेंस के होते हैं, ठीक है, जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो अलग डिस्टेंस पर उड़ते हैं, और जो आपके बलून्स होते हैं वो अलग डिस्टेंस पर उड़ते हैं, अपनी सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं वो अलग डिस्टेंस पर होती हैं। कैसे, सपोज करो कि दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे ये पूरा ब्लैंकेट जो है वो एटमॉस्फेयर का है, पूरे में एयर है, ठीक है ना। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारी अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं एयर के अंदर। तो ये सारा का सारा एयर पाई जाती है यहाँ पर, और ये एटमॉस्फेयर है। लेकिन आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में बटा है। मेनली हम इसको अभी तो, जैसे आप बड़े हो जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी आपके लिए जो सिंपली बताया गया है वो ये है कि इसको आप पांच पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसे करते हैं,
तो हम एक सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि उसके बाद तो फिर स्पेस शुरू हो जाता है इस एटमॉस्फेयर के बाद, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी अर्थ, ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को सबसे पहले जो सबसे नीचे जस्ट उतने ऊपर मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHEREE। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो सब अर्थ का जो एनवायरनमेंट जो अपन ऐसे ही देख रहे हैं उसका सबसे नीचे का पार्ट होता है। इसकी जो डिस्टेंस होता है वो 0 to 12 kilometers होता है, 0 to 12 kilometers, ठीक है। जब हम देखते हैं तो 0 to 12 kilometers तक जितना भी होगा वो ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर डेंस होती है, इधर पे जितना भी एयर होगी वो बहुत डेंस होगी। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो आपको एयर फील होना कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी कमी लगने लग जाती है। तो इसीलिए आप देखते हो जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पे जाते हैं ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे, तो उनको वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। अभी हमने अर्थ के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने माउंटेन पे चढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, हालांकि इतना ऊपर कोई नहीं जाता, हमारा जो सबसे नीचे वाला एटमॉस्फेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जो धरती से लेके 12 किलोमीटर की दूरी तक जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पे काफ़ी सारी एयर होती है, एयर डेंस होती है। इसका मतलब क्या है कि इनफ अमाउंट ऑफ एयर इज़ प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर एयर की खूब अच्छी खासी अमाउंट होती है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती, हम आराम से रहते हैं, ठीक है। अभी धरती यहाँ है और हम 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर में ही हैं, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ सांस लेते हैं, जहाँ हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं। अब आप हवाई जहाज़ में बैठने वालों को तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वो तो आराम से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं और यहाँ पर एयर जो होती है वो बहुत डेंस होती है। डेंस होती है का मतलब एयर की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी होती है, हमें कोई ऑक्सीजन की कमी, एयर की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होते हैं। हम सांस कैसे लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन हमें कम क्यों लगने लगती है, क्योंकि वहाँ पर एयर कम होती है। और हमारा जो यह ट्रोपोस्फेयर वाला पार्ट होता है उसमें एयर अच्छी होती है, खूब सारी होती है, तो हमें कभी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगानी। एरोप्लेन में भी हम जाते हैं तो एयरप्लेन में भी हमें कोई ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी सेकंड वाला जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्पेलिंग है इसकी STROPOSPHEREE, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये होता है आपका 50 किलोमीटर तक, लगभग 12 टू 50 किलोमीटर तक होता है, और यहाँ पे एयर थोड़ी थोड़ी कम डेंस होती है, एयर की डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर लेस एयर डेंसिटी, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। देख लो अच्छे से, अच्छा स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ये होता है ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर पता है सब बच्चों को, ओजोन क्या होता है, ओजोन लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन एक गैस होती है जो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ये क्या करती है, हमारे को हार्मफुल सन रेडिएशंस को से बचा कर रखती है। आप सबको पता है जो सन होता है उसमें से 3 तरीके के रेज निकलती हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेज निकलती हैं। एक इसमें होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक इसमें होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है,
एक होती है इसमें IR इंफ्रा रेड रेज, ये मैं आपको बाद में अभी बताऊंगी, और एक होती है विजिबल लाइट। ठीक है, अभी आपको छोटा सा ऐसे समझा देती हूँ। अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं, इसीलिए सन से आने वाली अल्ट्रा वॉयलेट रेज को ये ओजोन लेयर वापस भगा देती है, इसको धरती पर नहीं आने देती, क्योंकि अल्ट्रा वॉयलेट रेज वगैरह जो होती हैं वो हमारे को कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ कर सकती हैं, लाइफ को नष्ट कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। इसीलिए जो ओजोन लेयर यहाँ पर इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जिससे कि ये यूवी रेज टकराती हैं और वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप की जो इंफ्रा रेड रेज होती है, IR रेज जिन्हें कहा जाता है, वो एक्चुअली जो भी हमें गर्मी महसूस होती है, धूप निकलती है तो सूरज की रोशनी में हमें रोशनी भी होती है और गर्मी भी होती है ना, तो हम हर चीज़ को देख सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, साथ साथ में हम गर्मी फील करते हैं, तो वो गर्मी किस कारण होती है, इन IR रेज के कारण, इंफ्रा रेड रेडिएशन इनको कहा जाता है। ये या तो मैं कभी ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा पीरियड में पढ़ाऊंगी या फिर आप बड़े होकर पढ़ोगे, तो बड़े मज़ेदार है ये। तो जो इंफ्रा रेड रेडिएशन होते हैं, इंफ्रा रेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IR, तो ये इंफ्रा रेड रेडिएशन हमें गर्मी फील कराती हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट होती है, जो थर्ड होती है वो विजिबल लाइट। विजिबल मतलब होता है किसी चीज़ को देख पाना, और ये वो रेज होती हैं जो हमें किस सब चीज़ों को देखने में कैपेबल बना देती हैं। जैसे ही सूरज निकलता है सारा अंधेरा गायब है ना, अंधेरा चला गया, हम चीज़ों को देखने लग जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। तो इस तरीके से तीन तरीके की रेज आती हैं सन से, यूवी रेज विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, एंड दैट इज़ वाई ओजोन लेयर, ओजोन एक गैस होती है, ओजोन गैस लेयर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, इट रिफ्लेक्ट बैक द यूवी रेज, और धरती तक कौन कौन सी रेज पहुँचती हैं, IR रेज और विजिबल लाइट, जो हमें गर्मी महसूस कराती हैं और हमारे को कैपेबल बनाती हैं कि हम चीज़ों को देख सकें। तो हम स्ट्रेटोस्फेयर पहले पढ़ लें, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 12 से 50 किलोमीटर तक होता है, और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो आप देखते हैं हॉट एयर बलून्स वगैरह देखते हो, वो सब यहाँ पर उड़ते हैं, यहाँ तक जाते हैं वो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ये होता है आपका मीज़ोस्फेयर शायद, हाँ मीज़ोस्फेयर, थर्ड वन इज मीज़ोस्फेयर। यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये होता है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, और यहाँ पे आपको मिलते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं ये सब आपको कभी और अच्छे से बताऊंगी, पर अभी आप देख लो, वो जो तारे टूट के गिरते हैं ना, उनको हम मीटियोर्स कहते हैं, और वही जब, और तारे क्या होते हैं, आग का गोला है, सब आग है, ठीक है ना, फायर बॉल्स हैं ये सब की सब। तो ये वैसे तो हमारी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते, छोटे छोटे होते हैं, तो वो मीटियोर्स कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी, जो आग के टुकड़े होते हैं जो मीटियोराइट्स कहलाते हैं, वो अर्थ के सरफेस तक भी पहुंचते हैं। अभी तक बहुत कम ऐसा हुआ है, लेकिन एक आध दो बार कभी हुआ होगा। तो मीटियोराइट्स जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचने वाले सितारे होते हैं, सितारे क्या, आग के गोले होते हैं, फायर बॉल्स होते हैं, और वो जब अगर अर्थ के सरफेस तक पहुँचते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करते हैं, काफ़ी नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मीटियोर्स हैं, मीटियोर्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते, आपने देखा भी होगा तारा टूटता है फिर गायब हो जाता है ना, तो दोज आर प्रेजेंट इन दिस एरिया विच इज़ 50 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड दिस एरिया इज नोन एज मीज़ोस्फेयर। ठीक, इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, लेस एयर डेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पर एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, और ये होता है आपका 80 से 700 किलोमीटर तक। ठीक है, 700 किलोमीटर जाओगे तब आपको थर्मोस्फेयर मिलेगा, यहाँ पर एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होती है ना, ये सब यहाँ पर जाती हैं, यहाँ तक जाती हैं, और इसके बाद फाइनली होता है एग्जोस्फेयर। इसकी जो 700-800 किलोमीटर से लेके ये ऊपर तक रहता है, इसके बाद हम जानते हैं कि आ,
स्पेस चालूक माना जाता है। इसके बाद कि भाई स्पेस आ गया, अब स्पेस में तो आपको पता ही है कि क्या दिखता है, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो 700 से 10,000 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर, एक मिनट, हाँ 10,000 किलोमीटर तक इसको माना जाता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। इसके बाद फिर एयर की इतनी कम हो जाती है यहाँ पे एयर की, फिर ऐसा लगता है कि स्पेस चालू। अब स्पेस में आपने देखा है कभी, वो एस्ट्रोनॉट्स को टीवी में देखना, वो उड़ते रहते हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। तो यहाँ तक जाते जाते एयर वेयर सब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जोस्फेयर जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट मान लिया जाता है, ट्रोफोस्फेयर सबसे नीचे का पार्ट 12 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर एयर काफ़ी सारी होती है जिससे कि हम आराम से सांस ले सकते हैं, हमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं वो सब इसी एरिया में होते हैं। सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक माना गया है। इसमें ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल सन रेज से अर्थ को बचाती है। मीजोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर, यहाँ पर मीटियोर्स वगैरह होते हैं। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होती है, 700 किलोमीटर तक माना गया है। और जो सबसे ऊपर का है वो एग्जोस्फेयर, इट इज़ फ्रॉम 700 to 10,000 किलोमीटर तक। और ये इसके बाद फिर ये आउटर मोस्ट पार्ट है और यहाँ पर एयर डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो जस्ट लाइक स्पेस ही हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटमोसफेयर। तो हम देख रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने लिथोस्फेयर देखा था, हमने हाइड्रोस्फेयर देखा और अभी हमने एटमोसफेयर देखा। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए किस बारे में हम बात कर रहे हैं और ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी कल हम बायोस्फेयर पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन दिस इज़ इनफ आई थिंक। और पढ़ते हो तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ समझने के बाद, उसके बाद उसको जब तक बुक में रीड नहीं करोगे अपने आप से, तब तक आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हैं अभी तक भी, उनको तो रहने दो, बाकी जिन्होंने खरीदी हैं, जो बच्चे पढ़ना असल में चाहते हैं, तो उन सबको मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप वीडियो सुनो, उसके बाद उसको रीड भी करो बुक में, देन ओनली यू विल गेट द कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।